देवास के शहरी क्षेत्र में सुअर पालने वालों की अब खैर नहीं। आज नगर निगम की टीम सहित देवास SDM एवं पुलिस प्रशासन उन क्षेत्रों में पहुंचे जहां पर सुअर पालने व बेचने वाले रहते हैं। शासकीय जमीन पर सुअरों को पालने का जो बाड़ा बनाया था उसको आज नगर निगम की टीम ने तोड़ दिया है। जिन्होंने बाड़ा बनाया था उनका कहना है कि यह हमारी पिता संपत्ति है, हमारे बाप दादा ने यहाँ बाड़ा बनाया था जो आज नगर निगम ने राजनीति के चलते तोड़ दिया है। अब हम हाईकोर्ट की शरण में जाएंगे। वहीं देवास SDM प्रदीप सोनी का कहना है कि जिसने भी शासकीय भूमि पर कब्जा किया है उसे हम तोड़ेंगे, अब शासकीय भूमि पर कोई कब्जा नहीं करेगा। जिन्होंने भी शासकीय भूमि पर कब्जा किया है उस कब्जे को हटाया जाएगा। ये कि एक रहवासी क्षेत्र है जहाँ पर कि सुअरों का पालन और उनका व्यवसायीकरण टाइप के प्रकार में किया जा रहा था। अभी पुलिस प्रशासन और नगर निगम के पूरे हमले ने यहाँ पे सुबह से कार्रवाई की है। ये एक व्यक्ति है जो कि इस क्षेत्र में सुअरों को पाल रहे थे, इनका व्यवसाय कर रहे थे, जो कि गैरकानूनी है और ऐसा नहीं होना चाहिए। उस प्रकार की सतत कार्रवाई भी हम लोग अब करते रहेंगे। जैसे सर ये कार्रवाई करी है इसके बाद कार्रवाई आगे चलती रहेगी? बिल्कुल डेली चलती रहेगी। शासन हमारे कलेक्टर सर और हमारे नए SP जो हैं उनके मार्गदर्शन में हमने इसके अलावा पूरे देवास में जो भी हमारी इवन जो शासकीय ज़मीन है उसके जो कब्जे हैं, नगर निगम की जो ज़मीन है उस पर जो कब्जे किए हुए हैं और जो भी अवैधानिक गतिविधियाँ चल रही है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो तोड़ दिया है, हमें कोई सूचना ना दिया, कोई हमको पत्र दिया, कोई पत्र व्यवहार ना मौखिक ना किसी प्रकार का। अचानक हमें थाने पे बुलाया गया, लिस्टेड तौर पर हमें साथ में लेके गए और हमारा साथ पीछे साथ में लेके आके डायरेक्ट बाड़ा तोड़ गया, जो कि एक गैरकानूनी तरीका है। यदि हमें पत्र देते तो हमारा जो उनको गैरकानूनी लग रहा था हम चाहे उसको व्यवस्थित तरीके से साइड में कर लेते अगर ऐसा लगता था, लेकिन जो भी हुआ सरासर जातिगत तौर पर राजनीतिक भेदभाव के कारण ये कुछ चीज़ें हुई जो पहले से भी होती आ रही है और जातिगत हमारी पैतृक संपत्ति है, ठीक है, इसकी रजिस्टर्ड है इसलिए हमारे पास, ठीक है, और हमने तो भवन नहीं बना रखा था, हमने से बाउंड्री कर रखी है। अभी आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आगे हम कोर्ट का सहारा लेंगे। देवा से राजेश पवार की रिपोर्ट।